नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, निष्ठा मॉड्यूल 10 जिसकी प्रश्नोत्तरी गतिविधि 4 जिसमें पांडुलिपि दी हुई है, ये कोर्स है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। तो इस गतिविधि को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको एक पैराग्राफ के माध्यम से कुछ पांडुलिपियों को चुनना होगा। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि मिलेगा यहाँ पे आपको क्वालिटी वीडियो। चलिए जल्दी से कर लेते हैं शुरू, इसके बारे में जान लेते हैं। गतिविधि 4 आपके सामने है। यहाँ लिखा है नीचे के अंश में दिए गए विभिन्न लेखकों और कृतियों को चिन्हित करें। तो यहाँ जो लेख लिखा है इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें जो लेख और कृतियाँ हों उनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए जो भी यहाँ पर है उसे क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आपने गलती से कोई और सिलेक्ट कर दिया तो आप वैसे उसी पर क्लिक करके रिजेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसको ऊपर की ओर खिसकाएंगे तो यहाँ लिखा है महिलाओं का कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे इलांगो अडिगाल, तो हम इलांगो अडिगाल को सिलेक्ट कर लेंगे। द्वारा रचित तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम, तो शिल्पाधिकारम पर क्लिक कर देंगे। में भी उल्लेख मिलता है, साथ ही उपनिषदों जैसे महान दार्शनिक ग्रंथों में भी गार्गी को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसी महिला चिंतकों का उल्लेख मिलता है, वह एक महान विद्वान थी और राज दरबार में होने वाली दार्शनिक बहसों में भाग लेती थी। साहित्यिक रचनाओं में शासकों की जीवनियां भी शामिल थीं, जिनको लिखने वाले कई लेखक दरबार के ही इतिहासकार थे। बाणभट्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। हर्ष चरित लिखी बिल्लड ने, तो बिल्लड को सिलेक्ट कर लेंगे। ने विक्रमादित्य, तो यहाँ विक्रमादित्य को भी सिलेक्ट कर लेंगे। के बारे में लिखा और कल्हण की राजतरंगणी, के बारे में लिखा और कल्हण की राजतरंगणी, तो कल्हण को सिलेक्ट कर लेंगे और राजतरंगणी को सिलेक्ट कर लेंगे। कश्मीर के इतिहास का लेखा जोखा है चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रचित लिखा था, तो चंद्रबरदाई को सिलेक्ट कर लेंगे और पृथ्वीराज को सिलेक्ट कर लेंगे। प्राचीन भारत के साम्राज्यों की चर्चा करते समय आप इस सूची में कई और नाम जोड़ सकते हैं। आप शिक्षार्थियों को यह भी बता सकते हैं कि साहित्यिक रचनाओं का उपयोग अन्य स्रोतों जैसे पुरातात्विक साक्ष्य के साथ किया जाना चाहिए ताकि अतीत की एक समग्र तस्वीर मिल सके। इन सभी को सिलेक्ट करने के पश्चात चेक करेंगे कि हमने जो सिलेक्ट किया है वो कितने सही हैं। तो हम यहाँ चेक पर क्लिक करेंगे। चेक पर क्लिक करते ही यहाँ 10/10 हमने सभी सही जवाब दिए हैं। साथ ही इस तरह से गतिविधि 4 की प्रस्तुति को आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।